जो बीजेपी की सरकार है ये बड़ी खतरनाक है। ये पूजा पाठ पुजारी तो लगते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म को उसको मानते हैं, लेकिन ये बलि प्रथा वाले हैं। जरा सा कुछ हुआ तो पाकिस्तान का हाथ बता रहे। अरे देश में धाराएं हैं, संविधान है, पुलिस है, फोर्स है। जिसने हत्या करी 302 का केस लगेगा, वो भुगतेगा। उसमें पाकिस्तान क्या कर लेगा, ये क्या कर लेंगे। जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पे घटनाएं बढ़ेगी, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे पंजाब हो, आप देख लो उठाकर हिस्ट्री, वहां पे ये घटनाएं बढ़ेगी। बीजेपी करवाती है पूरा, जो सेंटर में बैठे लोग हैं वो सब चीजें करवाते हैं, ये घटनाएं बढ़ेगी। जब तक उनका राज कामयाब नहीं होगा, कायम नहीं होंगे, तो ये करवाएंगे। जैसे महाराष्ट्र को उन्होंने तोड़ा, दिया, सबको पता है भाई। अगर उनके साथ में समझौता होता तो शिवसेना बहुत बढ़िया थी, समझौता नहीं तो शिवसेना को ही तोड़ दिया उन्होंने, तो किसने तोड़ा है। तो इस तरह से ये है कि जो बीजेपी की सरकार है ये बड़ी खतरनाक है। ये पूजा पाठ पुजारी तो लगते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म को उसको मानते हैं, लेकिन ये बलि प्रथा वाले हैं। जिसमें बलि प्रथा दी जाती थी, तो उस प्रथा के, उस खानदान के ये लोग हैं। ये झगड़ा करवाने में, तोड़फोड़ करवाने में, करने में उसमें माहिर है ये लोग। भाईचारा जनता तो कायम करना चाहती है, लेकिन सरकार उसको तोड़फोड़ करना चाहती है, जिससे एक नफरत फैले और हमको वोट मिले। वो झगड़े में वोट तलाश करते हैं, और हिंदुस्तान के लोग तो भाईचारा ही करते हैं भाई। यहाँ पे संविधान में ये दिया गया है कि आदमी जो जिस धर्म कस्टम जाति को मानता है, संविधान में सबको राइट्स दिया गया है। मुझे पूजा पाठ कैसे करनी है वो मेरा अपना वो है। हमको दूसरे के धर्म के खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं कहने चाहिए। आप अपने धर्म में पूजा पाठ जैसे आपको अपना धर्म ठीक लगता है, ऐसे दूसरों को उसका लगता है। जरा सा कुछ हुआ तो पाकिस्तान का हाथ बता रहे। अरे देश में धाराएं हैं, संविधान है, पुलिस है, फोर्स है। जिसने हत्या करी 302 का केस लगेगा, वो भुगतेगा। उसमें पाकिस्तान क्या कर लेगा, ये क्या कर लेंगे। भाई जिसने हत्या करी किसी की, 302 की धाराएं, मुकदमा करो उसके खिलाफ।